जैसा कि तुम सबको याद होगा इससे पिछले एपिसोड में मैं पकड़ के लाया था बहुत खतरनाक बॉस पेल्स, और इस एपिसोड में मैं पकड़ने वाला हूँ उनसे भी खतरनाक बॉस पेल्स जितने भी अपने मैप में दिख रहे हैं, बट वो सारे 30-30 लेवल के होने वाले हैं। तो आज तगड़ी फाइट होने वाली है, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी अपन गेम में आ चुके हैं और मैंने कई सारी नई चीजें फाइंड करी है ऑफलाइन खेल के। ये देखो, मैं चाह रहा था कि ओर्स कोई तोड़ने लगे और तोड़ने लगा। ये अपन को ये तो किंग पासा लेके आए थे बॉस फाइट में से, तो उसमें से अपने को ये देखो क्या मिल रहा है। ये बंदा ओर तोड़ रहा है और ये सब ओर अपने आप पहुंच जाएंगे अपने पेट्स के थ्रू। अपन पेट्स लगा देते हैं यहाँ पे उठाने वाले। देखो ये एक और है बॉस पाल, बट ये कुछ काम नहीं करता, इसको यहाँ रखते हैं। इसका फाइट डैमेज डिफेंस कुछ अच्छा नहीं है, क्या पता है अपग्रेड होने के बाद अच्छा हो जाए। तो अभी इसको यहाँ रखते हैं और फिलहाल इस सामान उठाने वाले को यहाँ रखते हैं। सामान उठा के आप चेस्ट में बचा देगा। और बाकी मैंने ऑफलाइन खेल के कुछ ग्राइंडिंग करी है, देखो कुछ इंगट इकट्ठे करे हैं और स्टोन इकट्ठे करे हैं, जिससे कि अपन आज की वीडियो में बना सके गीगा स्फीयर्स। तो इसको अनलॉक करते हैं सबसे पहले, और आज अपन बनाने वाले गीगा स्फीयर्स। और एक और चीज अनलॉक हुई अपने यहाँ पे, वेपन वर्क बेंच, तो इसको भी बनाने वाले हैं। तो देखते हैं इनसे अपन किस तरीके से फाइट कर पाएंगे बॉस पाल से। ये रही वेपन वर्क बेंच, इसको लगाते हैं अपन। इसको कहाँ लगाएं यार, अपनी सारी अच्छी अच्छी वर्क बेंच यहीं पे लगी हुई है इस लाइन में, तो इस लाइन में लगाते हैं। ठीक है, ओके ये मैंने लगा दिए। इसको बना के अपन देखते हैं इसके अंदर अपन कौन कौन से अभी फिलहाल वेपन बना सकते हैं। शायद वेपन भी अपने को टेक्नोलॉजी से अनलॉक करने पड़ेंगे। बाकी अभी के लिए अपना ये बन गया है, और इसके अंदर तीर वगैरह बना सकते हैं, पॉइजन क्रॉसबो बना सकते हैं, ये सही चीज लग रही है मेरे को। और इसके लिए कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं ज्यादा तो चाहिए 15 इंगट चाहिए। भाई इंगट अभी मैं खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मैं जाने वाला हूँ बॉस फाइट पे, जिसके लिए मेरे को चाहिए होंगे गीगा स्फीयर्स। क्योंकि आज जितने भी हैं वो सारे 30 लेवल के हैं जिनसे मैं फाइट करने वाला हूँ, या फिर 30 प्लस के। आज अपन 29 गीगा स्फीयर्स बनवाने वाले हैं, और ये लो लेट्स गो। ये आ गए अपने पास 23 गीगा स्फीयर्स। और गाइस अपने ये इंजेक्शन भी बन चुका है, तो इसको बना के पूरा, और इसे डिप्रेस्ड पाल को लगाना होता है, और अपने पास एक डिप्रेस्ड पाल है। ये रहा अपना वो डिप्रेस्ड पाल। ऐसे इंजेक्शन को लगाना कैसे मुझे ये नहीं पता है। यूज ओके ऐसे कर सकते हैं, ओके डन। इसको अपन लेते हैं अपनी इन्वेंटरी में, और फिर उसके बाद इसको यूज करना है इसके ऊपर। कैटिवा हैज रिकवर्ड फ्रॉम इट्स इनलेस, ओके अभी गाइस अपना कैटिवा सही हो चुका है, जो कि डिप्रेस्ड था, अब शायद डिप्रेस्ड शो, ओके अब डिप्रेस्ड शो नहीं कर रहा है। गाइस अपन ने अपने पाल को सही कर दिया है, और अभी अपन इसके अंदर और कुछ लगाने रख सकते हैं। नॉर्मल बॉल्स ले चलते हैं, रस्ते में काम आएंगी तो आ जाएगी, बट नॉर्मल बॉल्स किस काम की जब अपन ने इतनी सारी गीगा स्फीयर्स बना ली है। अपने पास फिलहाल 4 पाल स्फीयर्स हैं, 24 मेगा स्फीयर्स हैं, और गीगा स्फीयर्स 29 है। तो अभी अपन चलते हैं अपनी पार्टी सेट करने, जिसके अंदर मैं लेके जाने वाला हूँ मैक्सिमम बॉस पाल्स, जैसे कि ये हो गया अपना किंग पासा, और एक रॉबिन को लेके जाएंगे सारे 20 लेवल के, और इन 20 लेवल वालों से अपन भिड़ाने वाले 30 लेवल वालों को। लेट्स गो, बाकी मैंने सब सही सही रख लिए हैं। अब मैं देख लेता हूँ पहले अपने को जाना कहाँ है। और एक ये है अपना मैम मोस्टर, इससे नहीं लड़ेंगे, 38 लेवल का है, बट मैं इन सबसे लड़ने वाला हूँ। जैसे कि हो गया पेट एलिया नाम है इसका, इसका नाम है रिलैक्सोरस, तो इन लोगों से अपन लड़ने वाले हैं अभी। चलो अभी सबसे पहले किससे लड़ा जाए। देखो ये है 30 लेवल का, ये है 31 लेवल का, ये है 28 लेवल का, और एक और था ना यहाँ, ये है 31। ओके डन, अपन सबसे पहले लड़ते हैं 31 लेवल वाले से, इसी से लड़ने जाते हैं अपन। यूनिवोल्ट है ये, शायद ये इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर है। अपने पास फिलहाल खाना भी फुल है और सबकी हेल्थ भी फुल है, तो लेट्स गो। सारे आइटम है जो मेरे को चाहिए थे, अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट लड़ने यूनिवोल्ट से, लेट्स गो। और भाई इस बार मैं अपना उड़न खटोला नहीं लाया हूँ, तो मेरे को पैदल चल के जाना पड़ेगा। मुझे जाना है बिल्कुल सीधा सामने, वहां मेरे को मिलेगा यूनिवोल्ट, और ऐसे नहीं जाना है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी कुर्बानियां चलती रहती है। अरे कूद मत भाई, पकड़ के भी तो उतर जाता है ये आदमी, उतरता क्यों नहीं पकड़ के। चलो कोई बात नहीं, अपन पहुंचने वाले हैं। मैं ये देखता हूँ टेक्नोलॉजी में अपन कोई वेपन अनलॉक कर सकते थे क्या अभी। ओके अपन कोई वेपन अनलॉक कर ही नहीं सकते, अगली लेवल में वेपन अनलॉक कर सकते हैं। ये देखो हर लेवल पे एक वेपन अनलॉक होगा, अपन बनाने वाले अगली लेवल पे ये वाला वेपन। लेकिन इसके लिए हाई क्वालिटी पाल ऑयल चाहिए, पता नहीं किसका ऑयल लेना चाह रहा है, लेकिन ठीक है। अभी गाइस अपन आ गए यूनिवोल्ट के पास, और यहाँ पे छुपने की कोई जगह नहीं है यार, मैं छुपूंगा कहाँ। इधर आ ब्रो, इस पे किसको छोड़े सबसे पहले, छोड़ तो दिए, मार ब्रो, हो गई लड़ाई। अरे यार वो फोकस कर रहा है, अबे इसको तो मैं वैसे ही मार दूंगा, इसका मतलब क्या कर रहा है भाई, ये मार क्यों नहीं रहा। ओके मारा, अब मारा पड़ी यार, इसने अपनी आधी हेल्थ ऐसे ही करा ली भाई, क्या गधा आदमी था। ओके शिट नहीं, मेरे पड़ रही है, ये पेड़ों के पीछे क्यों छुपा हुआ है आदमी। गाइस यहाँ अंदर जंगल में लड़ो यार, ये तो एडवांटेज ले रहा भाई जंगल में लड़ने की। लो अपना गया वापस, ये भी जाएगा। रॉनी क्विल यार, ये मेरे ऊपर क्यों अटैक करे जा रहा है यार, 2000 की एचपी ज्यादा भी नहीं है। अबे भाई गलत जगह फाइट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ बाहर निकलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे बाहर जान दो, बेटा बताता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं
इससे लड़ बेटा, अब लड़। भाई खुले एरिया में ही नहीं आ रहा था यार, इस बार तो हार के जाऊंगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके 2000 के, अबे ये मार कैसे दे रहा है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। गाइस अपन नहीं लड़ सकते इस 21 लेवल वाले बंदे से क्योंकि बहुत भयंकर है ये। अबे क्या कर रहा है, नहीं हिट। अब मैं भागूं कैसे, भागना तो ऐसे ही पड़ेगा भाई पैदल पैदल। एक भी इसने नहीं छोड़ा भाई, लो गया पीछे पड़ गया, वो आदमी पीछे पड़ गया। गाइस मैंने अपने सारे पेट्स मरवा लिए, नीचे देखो कौन है। अब मुझे पकड़ना पड़ेगा वो 28 लेवल का जो कम वाला था, और फिर मेरे को इसके पास आना पड़ेगा। ये मैंने बुद्धि नहीं लगाई बेटे, बताऊंगा तेरे को मैं। आ रहा हूँ बेटा, दोबारा आऊंगा मैं। अभी अपन चलते हैं वापस से बहुत बुरी हार के बाद घर पे, और इन सब पेट्स को वापस रिकवर करते हैं क्योंकि इनकी बहुत जरूरत है। और इनको इस तरीके से उड़ा दिया भाई इसने कि पता नहीं क्या ही हुई है। ओके तो ये सारे 10 मिनट में रिवाइव होंगे, और इस बार मैं देखता हूँ मैंने गलती क्या करी। देखो इसका अटैक अच्छा है, डिफेंस अच्छा है, ये हर बार जाता है। इसका अटैक और डिफेंस भी अच्छा है, इसका थोड़ा डिफेंस कम है, अटैक बहुत अच्छा है यार इसका। गाइस सारे एक नंबर पेट्स लेके गया था मैं जिनको उसने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया, और ये उसकी आधी एचपी भी नहीं कर पाए। आज के दिन अपन सोते हैं, पेट्स को रिकवर होने देते हैं। गाइस जब तक ये रिकवर हो रहे हैं मैं बनाने वाला हूँ कुछ पेट्स की सैडल्स, जैसे कि हो गया एरोसोन, और एक ये भी है, ये ग्लव्स बनेंगे। बट ये किस काम की पता नहीं, मेरे को इसके ऊपर बैठना है तो मैं सबसे पहले ये बनाने वाला हूँ एरोसॉक। ओके तो ये सैडल अपने को मिल चुका है, अपन लेते हैं एक एरोसॉक को और इसको छोड़ के देखते हैं। अरे रुकना भाई, इसको मार रहा है भाई। ओके मैं बैठ गया, बट इसका फायदा क्या है कि जंप भी करेगा, नाइस। ओके अच्छा ई से भागता है ये जोर से। अब भागा भागा भागा, अबे जब नहीं भागना होता तब कितना जोर से भागता है यार। गाइस मैं उस 28 लेवल वाले बंदे को मारने के लिए कुछ फायर एरोज भी लेके जाने वाला हूँ। टोटल अपन बनाएंगे 50 फायर एरोज हो जाएंगी, जब तक अपने पास भी रिकवर हो जाएंगे फिर अपन चलेंगे फाइट करने। ओके फायर एरोज अपने बन गए, इंगट बनाने रख देते हैं अपन, 48 इंगट्स बन जाएंगे। अभी गाइस फिलहाल अपने सारे पेट्स रिकवर हो चुके हैं, इनको लेते हैं और वापस चलते हैं 28 लेवल वाले बंदे से लड़ने। मैं सोच रहा हूँ यार इसके अंदर कौन सा पेट बदला जाए, क्योंकि ये बुरी तरीके से हारे ना कि इनको नहीं ले जाना। ओके मैंने एक पेट बदल दिया है रिलैक्सोरस, ये ज्यादा ही रिलैक्स कर रहा था तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। बाकी अभी अपन चलते हैं इधर की साइड क्योंकि मेरे को इससे लड़ना है, और यार इसको लेके आना है मेरे को। एक पेट हो जाएगा जो अपने पास 20 लेवल से भी अबव का होगा, फिर शायद अपन 30 लेवल वाले से लड़ सकेंगे। ये अपने को मिलेगा सीधा जाने पे, तो लेट्स गो। मैं किसी की भी शेडल बना के नहीं लाया हूं, बट अपन किंग पैसा की अपन शेडल बना सकते हैं, तो इसकी शेडल बनाएंगे फिर अपन इसके ऊपर राइड करेंगे मोटा भाई के ऊपर। मोटी मुर्गी है भाई, मोटी मुर्गी। ओके गाइस मैं कहीं ना कहीं से घूम घुमा के इधर आ गया हूं, मेरे को उधर से आना था बट मैं पता नहीं पीछे से आया हूं इसके, लेकिन ठीक है अपन पहुंच गए कुछ भी करके। अभी अपन चलते हैं इससे लड़ने, और ये पैटिला है, पैटिला को कैसे पीटे, एक सेकंड रुको गाइस, कौन सा पेट छोड़ा जाए सबसे पहले बताओ। रॉबिन क्विल को ही छोड़ते हैं, ठीक है ये लो, और दूसरा पेट तैयार रखते हैं अपना। अबे ये तो दूसरा पेट ही चला गया बे। अरे नहीं भाई चलो ठीक है जैसा भी है। बाकी पीछे हॉरर साउंड चालू हो रही है अभी धीरे धीरे। हॉरर साउंड क्यों नहीं आ रही पीछे, अच्छा ओके आ गई, आ गई साउंड, आ गई। ओ शिट अभी गाइस अपने इस बंदे को पड़ रही है। ओके किंग पैसा जाने वाला है अपना, किंग पासा, तेरा पासा पलटने नहीं दूंगा मैं, सारी चीजों को तैयार रखूंगा। शिट नहीं मेरी पड़ गई, मेरी पड़ गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। शिट नहीं 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 बच गया, दूसरा पेट छोड़ो बेटे, सबको रिकवर हो के मारूंगा तेरे को, सबको रिकवर कर करके मारूंगा। ओके अपन ने एक पेट गवा दिया है अपना, बच गया। अबे नहीं नहीं बचा, इसकी रिकवर होंगे, मेरी एचपी रिकवर होंगे, मैं दूर से देखूंगा। ओके 24 की एचपी गई, क्या है मेरे को क्यों देखने आ जाए करे बार बार। ओके नहीं ये एक भी नहीं, एक भी नहीं। गाइस मैंने मार दिया था यार उसको। गाइस मेरे को सामान तो लेके आना पड़ेगा उधर से जाके, चाहे अब मैं उससे फाइट दोबारा करूं या नहीं करूं। बट यार मैं सही खेल रहा था, बस 1000 की एचपी रही थी उसकी, मैंने कम से कम 1200 या 300 की एचपी उसकी हटा दी थी एकदम। एट लास्ट अपन मर गए, मुझे मेरा डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं डिफेंड नहीं कर पा रहा हूं। बाकी अपन पेट्स को बचा ले रहे थे क्योंकि देखो सारे पेट जिंदा है, बस ये एक पेट मर गया जिसको नहीं मरना चाहिए था। लेकिन अभी अपन चलते हैं फिलहाल घर पे और अपना जो डिफेंस है उसको अपग्रेड करके। गाइस अगर मैं रॉबिन क्विल और ले लूं, ये देखो 24 लेवल का है और मेरा वाला जो रॉबिन क्विल है ना वो 20 लेवल का है, क्या मैं उससे फाइट कर पाऊंगा, बस एक लेवल का डिफरेंस है। ये लो ये रॉबिन क्विल को लेके चलते हैं अपन, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है रॉबिन क्विल में भाई, रॉबिन क्विल से अच्छे अच्छे पेट्स हैं अपने पास। ये लो पड़ गई खत्म भाई, मैं सारे रॉबिन क्विल ले जाऊंगा अगर रॉबिन क्विल से जीत रहे हैं अपन तो। क्या फाइट चल रही है भाई। ओके एक रॉबिन क्विल पकड़ लिया गाइस अपन ने 24 लेवल का, अगर इससे भी ऊपर वाली लेवल का मिल जाता तो उसको पकड़ते हैं। मेरे को समझ में आ गया मेरे को किससे लड़ाना है उससे, इस तरीके से अपन अच्छे अच्छे लेवल के बंदे ले जा सकते हैं। ये 17 लेवल का है, वो 16 लेवल का है। गाइस वो एलियन, एक सेकंड, जो एलियन इससे पिछले एपिसोड में अपने को दिखा था वो एलियन ही रहा। नहीं नहीं ये मेरे पीछे पड़ा है बट। ओके क्या पता ये 25 लेवल का एलियन आ जाए तो अपने बेनिफिट हो जाए कुछ। ये 25 लेवल का, इसको गीगा स्फीयर से पकड़े, किससे पकड़े, इसकी फाइट तो कराएंगे, पूरी फाइट कराएंगे अपन। ओके आजा आजा आजा, ये रात में आते हैं, ये शायद रात के। शिट अबे फंसा दिया इसने मेरे को कहीं तो। ये क्या चीज है,
गाइज अभी मैं इसको ले जाने वाला हूँ किसी की जगह। तो गाइस इन्वेंटरी में आते हैं ये कम लेवल के क्यों जाते हैं? बट अभी सारे पेट्स रिकवर्ड हैं अपने, वापस चलते हैं वहीं पे। यार वो रात का कीड़ा मिल जाता ना भाई मजा आ जाता। 25 लेवल का और था वो, बट उसने मुझे ही मार दिया और मेरे पे ही फोकस था मेनली, पाल्स को मार ही नहीं रहा था। ये कितने लेवल का? ये 22 लेवल का रॉबिन क्विल है। रॉबिन क्विल ले जाएंगे, इनसे फाइट कराते हैं भाई। कौन लड़ लिया भाई, मैं तो किसी से नहीं लड़ा। ओके मैंने सामान ले लिया, रॉबिन क्विल मेरे पीछे पड़ गए, इससे लड़ मुझसे मतलब। आ रहा हूँ मैं, दो मिनट रुक जाओ, मुझे घर जाके आने दो क्योंकि मुझे रिकवर करनी है अपनी जैकेट्स वगैरह। रिपेयर किट पे चलो, मेरा ये पूरा जैकेट खराब हो गया। फ्लेम ऑर्गन नहीं है बट अपने पास। ओके एक ही में खत्म। गाइज मैंने सब कुछ वापस से प्रिपेयर कर लिया है, अभी मैं वापस फाइट करने जा रहा हूँ इससे। नहीं ये नहीं रहा, शायद इस बार मैं इसको ले आऊं। मैं वापस से यहाँ आ गया हूँ और सबसे पहले ही मैं रॉबिन क्विल का अटैक कराता हूँ। ये लो, और मेरे को इस बार बस खड़े होकर देखना है, मुझे कुछ उंगली नहीं करनी है। मैं पीछे से थोड़ी बहुत तीर मारता रहता हूँ, तीर बना के लाया ही हूँ तो। अरे यार फिर पड़ गई पीछे। मैं अपने रॉबिन क्विल के पीछे रहता हूँ जिससे कि मेरे अटैक सारे रॉबिन क्विल ले ले। ओके डन, चल रही है फाइट, चल रही है, सही चल रही है, बस इतना ही सही है। ये मार नहीं पा रहा क्या? क्या दिक्कत हो जाती है भाई, पिलर के पीछे जाके क्यों खड़े हो जाते हो? फिट मर गया, वापस मर गया, मैं गया भाई। मुझे क्यों, मेरे पीछे क्यों पड़ा है पता नहीं, फाइट ही नहीं कर रहे हैं भाई। बच गया। नहीं कर सकते भाई फाइट, नहीं कर सकते इन लेवल वालों से। अरे मुर्गी भाई मार यार, देखो अभी मुर्गी खड़ी है भाई। ओके मेरे पे अटैक हो गया। क्या भाई कितनी बार मारा इनको मैंने। छी भाई घटिया पेट है भाई, एक नंबर के घटिया पेट है सारे। गाइस मैं इनसे फाइट नहीं ले सकता, किसी भी कदर नहीं ले सकता इनसे फाइट, पता नहीं क्यों। इनसे लड़के देखें, ये 25 लेवल का रॉबिन क्विल है। ट्राई करते हैं गाइस और थोड़े अच्छे अच्छे लेवल वाले बंदे पकड़ने का, क्योंकि अपन इनसे तो नहीं लड़ पा रहे हैं। 22 लेवल का ही है बट यार वो पीछे पड़ गई लोग। बे यार ऊपर तक कहां मार रहे हो तुम? गाइस कमेंट्स में बताओ इनको मैं कैसे मारूं, किन पेट्स को पकड़ के लाऊं जब मैं इनको मार सकूंगा ऐसा करके कुछ तो। और यहाँ पे क्या चल रहा है गाइस? ये कौन सा पेट है? एक सेकंड, हो गई इससे फाइट, मैंने तो करी भी नहीं भाई। क्या था ये? कोई तो रात का पक्षी है, मैं रात में आने वाला हूँ गाइस, इन्हीं को पकड़ते हैं। एक सेकंड गाइस एक और देखो, 28 लेवल का कोई सा तो ये पेट है। मेरी पेटी कहाँ है? वो वाला पेट ना हो, अभी मैंने रोशनी तो कर ली है, पर वो कौन था मुझे ये देखना भाई। ओके वो रहा गाइस, यहाँ पे दोनों है। एक सेकंड मुझे उतरने दो और मुझे छोड़ने दो गाइस, मैं इस पे ये छोड़ रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है, भागो। मेरी एचपी तक कम है, मैं लड़ा तो दिया है उसको। यार ये मेरे पे क्यों फोकस है? इतना फोकस मत करो भाई, मेरे गायब भाई। छी भाई रात का कीड़ा कहाँ गया? दिन और होने वाला है यार। ओके ये रहा, दिन होने वाला, ये आ जाएगा पकड़ में। आजा ब्रो पकड़ में आजा प्लीज। ओके गाइस एक रात का कीड़ा पकड़ में आ गया है, एक और पकड़ना है। ये रहा वो, ये रहा, पड़ गई। ओके ये मेरे पीछे, ये रात के सब फोकस्ड रहते हैं भाई कतई, लेकिन एचपी तो कम हो रही है, सही है। ओके एचपी सही कम कर रहा है उसकी। ये रहा मार इसको। कहाँ पे ये आदमी कहाँ? चल रही है फाइट, चल रही है। ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। खड़ी 27 का है गाइस, ये पकड़ में आ गया ना मजा आ जाएगा। ये गाइस फिर यूज करने वाला हूँ मैं इसके ऊपर, अब आ जाना चाहिए यार। प्लीज आ जा। 27 लेवल का बंदा तो बहुत प्यारा है। ओके आ गया। यहाँ पे किसके साथ लड़ाई हो रही है? ओके गाइस मैं घुसने वाला हूँ किसी की लड़ाई में। गाइस रुक जाओ, मेरे बिना कैसे लड़ रहे हो तुम लोग? गाइस मैंने दूसरों की फाइट के बीच में घुस के फायदा उठा लिया है। एक एग रखा है गाइस इधर, एग उठाते हैं और अपन चलते हैं यहाँ से और कुछ नए पेट्स ढूंढने, क्योंकि अपने को मारना है बॉस को। गाइस एक एग मिला कोई सा तो। एक सेकंड कौन मार रहा है? और अपनी लेवल अप हो गई गाइस, अपने को अब मिलेगा वेपन। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को, लार्ज डार्क एग मिला है। एक सेकंड गाइस अपन किसी तो बॉस पाल के पास आ गए हैं, इसका बस मैं अटैक देखना चाहूंगा। एक सेकंड गाइस इधर की साइड आ जाओ यार, इधर की साइड। मेरे को नहीं इसको। यस मजा आएगा। पड़ी बेटे मेरे को क्यों मार रहा है? देख लिया अटैक ही तो देखना था मेरे को। नहीं
अबे कहाँ गिरी? एक सेकंड रुको गाइस, अपनी पेटी लेके आनी है वहां से। उससे पहले अपन ये जितने भी अच्छे अच्छे पाल्स हैं इनको रखते हैं एक बार अपने पास, क्योंकि अपन ये दो पाल्स लाए थे ना नए। इसकी फाइट है 303 की और इसकी 304 की थी। ये 411 की फाइट है इसकी। इसको रखते हैं अपन रॉबिन क्विल नहीं इसकी जगह पे। पैदल चले जाएं वहां पे अपन, चले जाएंगे। चलो तुम बोलते हो। ओके 2021 लेवल के हो गए। ओके अपनी जितनी लेवल होगी उतनी ही लेवल इनकी रहेगी। अब मेरे को समझ में आया है भाई, तो मेरी लेवल कैसे बढ़ाऊं मैं? ओके अपनी लेवल से नीचे लेवल के। देन गाइस मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके पहले तो मुझे एक ही चीज करनी है, वो है ये अपने फ्लाइंग जेट को रखो इसकी जगह पे और अपनी पेटी लेके आओ। ओके अपन अपनी पेटी लेने आ गए वापस। ब्रो मेरे को मारना मत यार, देख मैं अपनी पेटी ले जाऊं, बस मैं अपनी पेटी लेने आया हूं। अगर मेरे पे अटैक करा फालतू में, अरे आई एम बरी बेरी बेरी। अरे भाई भागो यार। अब मैं बताओ इसका मैं क्या कर सकता हूं, इसका मैं क्या कर सकता हूं? पेटी इसने अपनी गुद्दी में दबा रखी है भाई। यार ये तो घटिया चीज है ना भाई, मेरी क्या गलती है इसमें? मैं मरूंगा, वापस मरूंगा। फाइट या तो अपने पेट से करा दे। गाइज मैं अपना परिंदा थोड़ा सा दूर ही उतार दूंगा क्योंकि वो आदमी फिर यहीं होगा। के इसके पास में नहीं है इस बार। के यार इसके पास में ही है। ब्रो मैं नंगा भूखा आदमी, मेरे से क्यों दिक्कत है भाई तेरे को? जल्दी जल्दी आइटम उठाओ। ओ गो अच्छा गाइज मेरे को नया वो भी मिल गया, एक वहां पे भी है। गाइज मैं अनलॉक करके आ रहा हूँ, देखो उसको फिर इसको लेट्स गो। और एक और है पीछे, तीनों को अनलॉक करो भाई। तीन तीन फास्ट ट्रैवल मिल गए मेरे को एक बार में। ओके यहाँ पे कुछ है भी, इससे फाइट कर ब्रो, जा जा रहा। ओके कुछ तो इनने पानी वाला पट रखा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है गाइस। यार ये अच्छी लेवल का हो शायद, मजा जाएगा। हेलो ब्रो आजा। ओके इसकी फाइट में इतना कुछ खास मजा नहीं है भाई। सामने कोई तो डेजर्ट टाइप का एरिया है, लेट्स गो। और सामने एक और बॉस पाल, देखते हैं इससे फाइट कर पाएंगे कि नहीं। अपने पास शायद आइटम पूरे हैं, शायद वो भी शायद मेरे को कंफर्म नहीं। बीच पे कुछ तो नए पेट्स मिले अपने को 2020 लेवल के भाई, इतने इतने से पेट 20 लेवल के ही है। इनसे फाइट करा के देखते हैं। ओए फालतू में मारा ये आदमी मेरे को, इससे अपन नए पेट्स की फाइट। ओके अबे कोई आग छोड़ रहा है, कोई कुछ। ओरे क्या कर रही है? अबे नहीं यार भाई, सारे मेरे पीछे क्यों लगे पड़े हैं? गलत आ गया मैं भाई, पूरी फौज है इनकी, कुछ नहीं कर पा रहा। भाग 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 भाग। ओके 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 नहीं मर गया मैं, मर गया मैं, मर गया मैं। क्या था भाई ये? एक सेकंड मुझे यहाँ देखने दो, यहाँ किस स्प्रेड पीट रखी है गाइस इन लोगों ने, पता नहीं यार इतने हैवी हैवी बंदे हैं ना। कहाँ से पकड़ू अब मेरे से कम लेवल के बंदे? सारे को पकड़ लिया मैंने, कहाँ से क्यों नहीं पकड़ूंगा मैं? 22-22 24-24 लेवल के बंदे हैं। अरे भाई सेकंड क्या हो रहा था ये? ये खुद मर जाते हैं क्या? हनी बीज हैं ये, बट ये था क्या? इनने क्या करा ये? भाई खाना खिला दो, यहाँ से मेरे को लेके जाने हैं, दो चार पेट लेके जाता हूँ, बट मैं पेट कुछ अच्छे लाया नहीं यार। रुको मेरे को इनको देख के आन दो गाइस। ये जो है 24-24 लेवल के, ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं सामने। ओके अपन किसी नए बायोम में आए तो अपने को कुछ तो अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। ये रहे वो, इनसे लड़ाते हैं लोग। यार ये मुझे क्यों मारते हैं मुझे ये समझ। ओके 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 नहीं फटे ना ये, इसको पकड़ ही नहीं सकते फिर तो अपन, जब मुंह पे आके फट नहीं है। फिट चल रही है फाइट, चल रही है फाइट, बच गया। अबे यार ये सब मेरे पीछे आते रहेंगे ब्रो, मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? गया मैं गया, ये भी मेरे पीछे पड़ गया भाई। नॉर्मल पेट्स मेरी जान ले जा रहे हैं यार। गाइस ये नॉर्मल पेट्स नहीं है और पता नहीं मैं इनको कैसे पकड़ पाऊंगा, बट ओके मैंने कुछ देखा, वो देखो पीछे की साइड शायद इन मधुमक्खियों की रानी है जिनको अपन पकड़ सकते। ये क्या चल रहा है गाइस? मुझे बहुत अपग्रेडेशन करना पड़ेगा तब मैं जाके इनको मैं हाथ भी लगाने की सोचूंगा, बट चल चल वाली बात है। गाइस ये देखो इनसे भी लड़ाई हो गई है, ये क्या करते हैं देखते हैं। अगर उन सबको अपने को रखना है अपने पास, क्योंकि इससे लड़ेंगे तो ये सारी अपने पीछे पड़ जाएंगी। भाई इसका फाइट देखे, नहीं 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 इससे लड़े बट अब कोई भी अपने उस पे नहीं आया। गाइस शायद अपन इसको पकड़ सकते हैं, बट ये मेरे पे अटैक कर रही है बहुत गंदे गंदे, मेरे पे ही अटैक कर रही है, मेरे पे नहीं मेरे पे ही अटैक कर रही है भाई। गाइस मुझे कोई बताएगा ये सारे जिपाल से अब सिर्फ मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं? गाइस मैं समझ गया हूँ, मैं इनसे नहीं लड़ सकता और ना मेरे को लड़ना। मैं जाऊंगा अपने आप को अपग्रेड करूंगा, फिर देखूंगा कि इनसे कैसे लड़ना और क्या करना है, क्योंकि मेरी एक और नई लेवल खुली थी। मत करो यार प्लीज मत करो, नहीं लड़ना मेरे को क्योंकि। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, चलो यहाँ से चल जाओ। ओके बच गया हूँ, सामने एक और पेट किसी ने तो बांध रखा है। आसपास कोई टावर अनलॉक करके आता हूँ गाइस मैं, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। ये लड़ रही, लड़ने दो गाइस शायद में, बट ये फूट जाएगी, ब्लास्ट हो जाती है भाई। उनकी मम्मी वहां बैठी है देखो, शिट मेरे पे अटैक कर दिया इन लोगों ने।
अरे यार पूरा मार दिया मैं इसको, तीन तीन बॉल फेंका, पता नहीं पकड़ में क्यों नहीं आया ये। गाइस मेरे को ऊपर जाना है, वो रहा अपना टावर जिसको अपन को अनलॉक करना है, बट पहले यहाँ वेट करेंगे नाइटविंग की एचपी रिकवर होने का। गाइस नीचे कोई तो सोया है या फिर ये सब क्या है, मुझे घर जाना है गाइस, मेरे को घर जानी दो। गाइस सब जगह से मार खाने के बाद, सब जगह से पिटने के बाद मैं वापस अपने घर को आ गया हूँ। अभी मेरे को खुद को अपग्रेड करना है, खुद की लेवल अपग्रेड करनी है, फिर मैं कहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं क्या क्या आया है। गन आई है, इसको अनलॉक करना है, और एमओ भी बना सकते हैं, और इसका शेडल भी है। ठीक है मुझे तीन चार चीजें अनलॉक करनी, पॉइजन क्रॉसबो अनलॉक्ड है पहले से, बट मुझे फायर एरो अनलॉक करनी थी, एक ये और एक ये। गन पाउडर भी बना ले, चलो डन। बाकी गाइस अभी अपन ने कई सारी नई नई चीजें ओपन कर ली है जिनको अपन ने बिल्कुल नहीं बना रखा, तो आज के दिन अपन वही बनाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या नई चीज बना सकते हैं जो अपन ने नहीं बनाई है। वेपन वर्क बेंच बन गई अपनी रिपेयर, ओके इस वाली में से सब बना हुआ है। तो देखते हैं वेपन कुछ बना सकते हैं, तो पाल ऑयल और इंगर्ट्स। तो पाल ऑयल कहां से मिलेगा ये नहीं पता है मेरे। अपन ने अनलॉक करी थी एक क्रॉसबो, तो उस क्रॉसबो को बना के देखते हैं। फायर क्रॉसबो जिसके लिए इंगर्ट्स चाहिए, जो कि मैं कितने सारे वेस्ट करके आया हूं तुमको पता हो अगर तो। बाकी एक इंगर्ट की कमी है, फटाफट से अगर वो बना दे तो अच्छा है। ब्रो किधर गया है यार ये आदमी, हां जाना है तेरे को। अरे यार घूम फिर के क्यों जाती है लोग, जल्दी बना इसको। और ओर आ गया है वापस से यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ एक सेकंड रुको, मैं इसको ओर तोड़वाने के लिए रख देता हूँ। एक सेकंड इधर आ ब्रो, अरे इधर आना। इस बंदे को अपन ओर पे असाइन कर देते हैं, ये ओर तोड़ेगा देखना अभी। ये देखो गाइस ये अभी भूखा है वो, खाना खा के आएगा फिर करेगा देखना। खाना खा ले भाई आदमी, पजामा। मेरी इन्वेंट्री खाली कैसे पड़ी है? ओके मैंने इन्वेंट्री के सारे आइटम यहाँ रख दिए थे, तीर उठाओ ये उठाओ तीर लो। ओके मैंने इन्वेंट्री का सामान सारा ले लिया है। और गाइस ये देखो ये अपना तोड़ता है ओर, ये देखो ये अपन ओर तोड़ रहा है। अरे जाने दो ना भैया। ये देखो गाइस अपने को एक और मिल गया, बाकी ये ओर्स अपने आप जाके ये लोग रख देते हैं पेटी में। अभी फिलहाल के लिए अपन बनाते हैं क्रॉसबो। बाकी मेरे को ये देखने दो इसके अंदर कौन से एरोज लोड होते हैं। इट इज लोडेड विद पॉइजन एरोज, और ये नॉर्मल एरो से लोड होता है। बाकी पॉइजन एरो बनाने पड़ते हैं क्या? एक सेकंड गाइस मैं पहले ये वाला बना के देखने वाला हूं, बट इसके लिए 15 इंगट लग जाएंगे, फिर ये नहीं रहेगा मेरे पास, क्योंकि इस क्रॉसबो में डालने के लिए मेरे पास एरो है, या फिर नॉर्मल एरो से काम हो जाएगा। लेट्स सी गाइस, मेरे को सबसे पहले पॉइजन एरो क्रॉसबो बनाते हैं। ओके गाइस अपनी पॉइजन क्रॉसबो बन गई है, लेकिन इससे होता क्या है? क्रॉसबो ले तो ली, एक सेकंड ये अपने आप पॉइजन छोड़ेगी क्या? ओके इसमें शायद नॉर्मल एरो छूट रहे हैं। मेरे पास कितने, एक तो देखो फायर एरो 11 हैं और नॉर्मल एरो है ही नहीं, ये छोड़ भी नहीं रहा। बट एरो बनाए कहां से इसकी? वेपन में जाके अपन कुछ तो नॉर्मल एरो बना लेते हैं, शायद ये नॉर्मल एरो को छोड़ता हो। अबे नॉर्मल एरो नहीं छोड़ रहा यार ये, बट पॉइजन एरो मेरे पास है कहां? टेक्नोलॉजी में जाके देखने दो, पॉइजन एरो अनलॉक हो रहे हैं क्या? ओके पॉइजन एरो अनलॉक हो रहे थे, मैंने करे नहीं यार, अब मेरे को वापस से वो बनाना पड़ेगा। गाइस मैं बनाऊंगा अपनी फायर एरो जैसे कि मैं बनाने वाला था, रुक जाओ। इसके लिए अपने को इंगट चाहिए, और इंगट को यहां बनाते हैं, 6 इंगट तो बन जाएंगे। मैं भी जब तक ओर्स तोड़ता हूँ हेल्प करता हूँ इनकी, मोटा भाई भी हेल्प कर रहे हैं। ओके 16 ओर्स तोड़ लिए, अपना काम हो जाएगा। इसके अंदर डाल देते हैं अपन सारे ओर्स। ओके अपन एक नया पैट लाए थे, इसकी 223 की एचपी, मतलब सॉरी 223 का अटैक है, मतलब ये भी अच्छा खासा है। बट ये काम क्या कर रहा है? कुछ तो काम कर रहा है, कहाँ पे है ये? यहाँ किसको पानी दे रहा है? अबे वाटरिंग और माइनिंग का काम है इसका, है ये इसे? ले और तोड़ियो तू, कहाँ जा रहा है ये और तोड़ने के नाम पे? उचक उचक के भूख लगी है भाई को, देख दे पता नहीं गाइस क्या पागलपंती कर रहा है ये आदमी। इसे छोड़ते हैं अपन, अपन बना रहे थे फायर क्रॉसबो, ये भी अपनी क्रॉसबो, इसको बनाते हैं और इससे छूटेंगे फायर एरोज। लेकिन हमारे पास तीर भी तो था, उससे भी तो छोड़ सकते हैं, क्या जरूरत है इससे ही क्यों छोड़ने हैं मेरे को ये बताओ। मोटा भाई भी हेल्प करा रहे हैं अपने पीछे से, भूख लग जाती है इस आदमी को, मोटा है ना ही। गया ये देखना, ये देख खाना खा के आएगा ये। ओके गाइस अपनी क्रॉसबो बन गई है, इसको लेते हैं। अब पता कैसे पड़ेगा कौन सी? अच्छा फायर क्रॉसबो के अंदर, ये मैंने क्रॉसबो ली, इस पे अटैक करूं? आओ गाइस नाच कर रहे हो तुम, एक्सरसाइज कर रहे हो सुबह नहीं हुई पे के 991 का अटैक है गाइस, सिर्फ और सिर्फ क्रॉसबो चेक करने के लिए जा रहा हूं मैं कहीं पे। गाइस थोड़ा सा क्रॉसबो का टेस्ट करके देखते हैं क्या कर रही है क्या नहीं। 991 का डैमेज दिया भाई उसने, अगर रियलिटी में 991 का डैमेज दिया है तो मैं एक बार में मार दूंगा सब। इसको मार के देखें। ओके हाँ हाथी भाई है ना अपने पास, ये किस काम के? उतारना मेरे को जरा नीचे उतारना भैया की जी में, थोड़ी मार के देखूं। अबे दो घंटे खा ले हराम खोर, पागल बनाया भाई क्रॉसबो ने, पागल बनाया भैया सॉरी यहाँ। रे रे धरती हिला दी तुमने, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ बाय बाय गुड नाइट। अबे मुकाई है इस पे मार के देखें। ओके एक बार में तीन, देखो इस पे 8.73 का डैमेज, वाह बहुत। अच्छा कहीं उसका डिफेंस ज्यादा इसलिए तो नहीं हो रहा? एक सेकंड, अबे भाग, बच गया भाई, बच गया मैं, बच गया, देखा तुमने बच गया। इसके ऊपर मार के देखते हैं इनका डिफेंस तो ज्यादा। अरे भैया एक सेकंड इधर आ, ओहो या ओके 135 का डैमेज दिया। भाग 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 यहाँ से भाग, चीज बढ़िया है यार। गीगा स्फीयर क्यों वेस्ट कर रहा हूँ मैं? छोटी मोटी स्फीयर नहीं फेंकी थी तेरे ऊपर, ठीक है ना, एक बार में आ जाना चाहिए था तेरे को। हाले चमन आदमी,
छोटी मोटी स्फीयर्स यूज ही नहीं करते, मतलब गलती से कर दी थी। ओके एक और है मारियो, मुझे क्रॉसबो टेस्ट करनी है। छोटी मोटी बात, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। क्रॉसबो चीज तो बढ़िया थी, देखा तुमने? देखा, जिसका डिफेंस ज्यादा हो ना उसको नहीं मार सकते, बट औरों को तो मार सकते हैं। गाइज लेट्स गो होम। ओके अभी अपन ने क्रॉसबो वगैरह सब बना लिए, अब देखते हैं इसके अंदर अपन ने और क्या नहीं बनाया है। अपन ने एक हीटर नहीं बनाया जिसका मुझे लगता नहीं कोई काम है। एक ये है जिसको अपन बना देते हैं, बन रहा है तो इसको यहाँ रख दे। ये शायद लाइटनिंग रॉड है एक तरीके से। ओके ये रात में रोशनी करने के काम आएगा क्या? तो फिर सब जगह लगानी चाहिए इसको, अपन हर कोने पे लगा देते हैं गाइज, अपना बेस चमक उठेगा। अभी गाइज अगर अपने को बॉस फाइट करनी है तो अपने को बहुत सारे तो एरोज बनाने पड़ेंगे, और क्रॉस बो तो एक ही ठीक है, बट अगर हो सके तो पॉइजन एरो लेके जाना चाहिए अपने को, जिसके लिए अपने को अनलॉक करना पड़ेगा पॉइजन एरो। गाइज अपने लार्ज टूल बॉक्स भी अनलॉक नहीं किया लार्ज। ओके गाइज आज के लिए बस इतना ही, आज अपन को हर जगह हार मिली, बट अपने को इस हार की वजह से बहुत चीजें अपन ने अपग्रेड कर लिए, दो एक नए पैट्स भी लेके आए नाइट वाले, और अब ट्राई करेंगे अपन अगले वीडियो में बॉस पाल्स को पकड़ने का और अपने आप को और अपग्रेड करने का। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।